अघोषित विद्युत कटौती को लेकर गैसड़ी विधायक एसपी यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एसपी यादव ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित विद्युत कटौती से जनता है परेशान। उन्होंने रोस्टर के अनुसार बिजली देने की रखी मांग। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम बलरामपुर को ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के अंदर बिजली कटौती बंद नहीं की जाती तो जिले में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। विधायक बोले, आने वाले विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा यह मामला। अंकिता त्रिपाठी, सद्भावना आवाज, बलरामपुर। देखिए, ऐसा है, जनपद बलरामपुर के सभी नगरों, कस्बों और गांव में जबरदस्त विद्युत कटौती की जा रही है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है। इस भीषण गर्मी में लोग जो है, तमाम बीमारियां भी फैल रही हैं, तमाम लोग जो है गर्मी से मर गए। लेकिन ये सरकार जो है केवल विज्ञापन में चल रहा है, केवल जो है जुमलेबाजी चल रही है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। नतीजा ये है कि जिला मुख्यालय पर मुश्किल से 15-12 घंटा बिजली मिल रही है। गांव में तो बिजली कहीं कहीं फिर 5-5 दिन तक नहीं बिजली मिल रही है। खास करके हमारे गैसड़ी, पचपड़वा, तुलसीपुर, उतौला, ये सब जगह जबरदस्त कटौती हो रही है और जिला मुख्यालय के ये हालत है। तो और नलकूप बंद है। नतीजा है कि सिंचाई नहीं हो पा रही है। फीडर चैन जो क्षमता है ट्रांसफार्मर की, वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। लो वोल्टेज के कारण जो है कुछ चल नहीं रहा है। तो इस तरीके से, इसलिए आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, ऊर्जा मंत्री के नाम से। अगर सुधार नहीं हुआ 3 दिन के अंदर तो फिर जो है पूरे जनपद में तो आंदोलन किया जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा और जो है पूरे हिला दिया जाएगा।